तो चलिए आगे बढ़ेंगे। धरती पुत्र मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही सेफई में सन्नाटा पसर गया। सेफई में नेताजी की पुश्तैनी कोठी पर नेताजी के छोटे भाई अभय राम सिंह यादव परिवार के अकेले ऐसे शख्स हैं जो कि अभी भी सेफई में मौजूद। मैं सैफई में, हम यहाँ मौजूद हैं नेताजी के स्वास्थ्य लाभ को लेकर के। यहाँ सैफई में काफ़ी चिंता है, हम इस वक्त यहाँ गांव में मौजूद हैं सैफई में। नेताजी के छोटे भाई अभयराम जी यहाँ पर मौजूद हैं जो पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के पिताजी हैं। अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात भी दाऊ बात हुई थी आपकी धर्मेंद्र जी से, क्या बताया नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर? अब कुछ आराम है जी, आराम है। तो दिन में जो फ़ोन आया था, जो तबीयत में उनकी जो चिंता बनी हुई थी, तो अभी क्या बताया उनको जाकर? मैंने अब आराम बताओ, दिन में ऐसी कोई खास लगी नहीं फोन जी। हाँ जी, अब एक डेढ़ घंटा बाद दो घंटा से लगी। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में आप जो शुभचिंतक हैं, पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे नेता की तबीयत को लेकर? देना चाहिए, अब ये आराम है, फिर जो भगवान करेगा सो होगा। तो ये हमारे साथ नेताजी के छोटे भाई अभयराम यादव थे जो कि यहाँ अपने घर पर मौजूद हैं। बाकी जो सैफई की बात करें, परिवार के जितने भी लोग हैं वह सारे लोग यहाँ से मैदान तक जा चुके हैं। केवल नेताजी के भाई अभयराम यादव जी, जिनका स्वास्थ्य लगभग ठीक नहीं रहता है, वो यहाँ कोठी पर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सैफई के कई लोग हैं जो कि मिलने वाले नेताजी का हालचाल लेने के लिए यहाँ कोठी पर आए हुए थे। तो अभी जो बताया अभयराम जी ने कि नेताजी की तबीयत के सुधार के बारे में उनकी जानकारी मिली है, धर्मेंद्र यादव उनके बेटे से उनकी बात हुई थी जिन्होंने फोन पर बताया कि अभी फिलहाल नेताजी के स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। और वहीं सेफई के प्रधान रामफल वाल्मीकि एबीपी गंगा से बात करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वो नेताजी को एक भगवान की तरह पूजते हैं, कामना करते हैं कि जल्द से जल्द नेताजी के स्वस्थ होने की खबर सामने आए और वो घर वापस आए। कोटी में इस वक्त सैफई के प्रधान रामफल वाल्मीकि, जो नेताजी के बेहद करीबी रहे, उनके बचपन से उन्होंने उनके साथ राजनीति की है, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, जैसी आपको जानकारी मिली नेताजी की तबीयत के बारे में, अभी क्या अपडेट है? आपसे कोई बात हुई है वहाँ जो मैदानता में वहाँ परिवार के लोग हैं? हमने अपने दिल्ली से सचिव से पूछी कि कैसी हालचाल है साहब की, तो बताया कि नेताजी अभी आईसीयू में हैं वेदांता में। बेहद नेताजी की राजनीति को करीब से देखा है, बचपन से आप उनके साथ रहे, कैसी उनकी कार्यशैली वगैरह रही? मानभर नेताजी, जब से मैंने अपनी आंखें खोली हैं, मैंने देखा कि नेताजी के अंदर छुआछूत की भावना नहीं थी, गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। यहाँ तक कि ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ माननीय पत्रकार भाइयों बहनों, कि नेताजी ने उनकी जेब में अगर 5 रुपये रहे हैं, वो भी किसी दीन दुखी ने मांगा तो तुरंत दे देते थे। और हम परमपिता परमेश्वर से, माँ दुर्गा से, हम अब्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेताजी जल्दी स्वस्थ हों, स्वास्थ्य लाभ करें और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।